हो जी दोस्तों, कितना सब ठीक ठाक। तो होपफुली यार आपको हाइपर ओएस की अपडेट देखने को मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी, क्योंकि जून तक जो है सभी डिवाइसेस में जो भी कंपैटिबल हैं उन्हें देखने को मिल जाएगा हाइपर ओएस। तो आपने ये कहावत सुनी होगी यार, दूध से देखा अंडे उबल रहे हैं, दूध से देखा अंडे उबल रहे हैं, पास जाकर देखा तो गंजे उछल रहे हैं। तो यार एक छोटी सी जगह है, कोई बुरा मत मानिएगा, मेरे भी ज़्यादा इतने बाल हैं नहीं। तो गाइज ये वैसा ही हुआ हाइपर ओएस के साथ भी। हमें लगा था कि भाई हाइपर ओएस जो है बहुत ही तकड़ा होने वाला है, बट लोगों को बहुत सारे डिवाइसेस में बैटरी ड्रेन देखने को मिल रही है, हीटिंग का इशू आ रहा है। बट एक गुड न्यूज़ है, किसी का फ़ोन यार डेड नहीं हुआ, एक बात तो यहाँ पर अच्छी हुई। बट यार बहुत सारे फीचर हमें देखने को मिलने वाले थे कुछ लोअर एंड डिवाइसेस में भी। तो आज जो है एक डिसअपॉइंटमेंट है हाइपर ओएस की, क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा थी, हाइप का कुछ मज़ा नहीं आया। बहुत सारे जो लोअर एंड डिवाइसेज हैं उन्हें तो कुछ भी नहीं ज़्यादा देखने को मिला, और जो मिड रेंज के थे उसमें भी ठीक ठाक फीचर आ गए, पर जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। तो आज की वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, क्या क्या डिसअपॉइंटमेंट है हाइपर ओएस की। तो पसंद आती है वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यार MIUI में क्या होता था, YouTube में अगर हम जाते थे वहाँ पर कोई सॉन्ग आपको पसंद है या कोई कुछ भी पसंद है आप उसे चला लेते थे, उसके बाद जो है एक स्क्रीन ऑफ का फीचर मिलता था, साउंड पीछे से चलती रहती थी, आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर जो है वो बंद हो जाता था, यानी कि स्क्रीन ऑफ हो जाती थी। तो ये जो है हाइपर ओएस से ये फीचर फुली रिमूव कर दिया गया है। तो ये तो Xiaomi का नहीं है, ये तो Realme, Oppo सभी का जो है रिमूव हो गया है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज में बहुत सारे मैनुफैक्चर ये फीचर देते थे, गूगल के दबाव में आकर जो है ये फीचर रिमूव कर दिया गया है। तो ये फीचर कभी भी नहीं मिलेगा, तो वेरी सैड न्यूज़। यार कंट्रोल सेंटर हमें नया देखने को मिल गया, बट ना ही इसमें हमें डेटा यूसेज का ऑप्शन मिला और ना ही म्यूजिक टॉगल देखने को मिला। ये तो मिल गया बट एक जो ओपन होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और बहुत सारे डिवाइसेज में ये जो कंट्रोल सेंटर है, यार कहते थे कि हाइपर ओएस में बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन होगी, बट कुछ नहीं हुआ। जिनमें ग्रे कंट्रोल सेंटर था उनमें ग्रे ही रह गया, और कुछ डिवाइसेज में तो गाइज कंट्रोल सेंटर आया ही नहीं, मिड रेंज सॉरी जो लोअर एंड डिवाइसेज हैं। तो वेरी बैड न्यूज़ का। तो नेक्स्ट है थीम स्टोर। तो थीम स्टोर का क्या लोचा है, बहुत सारे जो थीम्स हैं अब पेड हो चुके हैं। और यही नहीं, अगर आपके डिवाइस में जो है हाइपर ओएस एंड्रॉयड 13 है या MIUI जो है वो एंड्रॉयड 13 के साथ आता है, तो बहुत लोगों के डिवाइस जो है वो बूट लूप में जा रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि आपका जो डिवाइस है किस सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा है, और जो थीम बना है वो किस सॉफ्टवेयर पे है। बहुत सारे अब जो नए थीम आ रहे हैं वो जो है वो एंड्रॉयड 14 एंड हाइपर ओएस पे हैं, तो लोगों के फ़ोन जो है बूट लूप में जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई थीम यूज़ करते हैं कौन से वर्जन पे है, तो ध्यान से यूज़ करिएगा। तो ये काफ़ी बड़ा जो है डिसएडवांटेज है, डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे जो है ये देख कर कि थीम स्टोर में भी अब लोचे आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन जो है बूट लूप में जा रहे हैं। तो यार हाइपर ओएस के जो एनिमेशंस है वो बहुत ही बेहतरीन है, बट यार लोअर एंड डिवाइसेस को कोई भी यहाँ पर जो है एनिमेशन देखने को नहीं मिला, ना ही अनलॉक एनिमेशन देखने को मिले, ना ही जो है वो ब्लर इफेक्ट के जो है वो एनिमेशन मिले, और ना ही ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन देखने को मिले। तो कोई भी एनिमेशन नहीं है लोअर एंड डिवाइसेज में, जिनमें पहले ही थे एनिमेशन उनमें रहेंगे, अगर जिन डिवाइसेज में एनिमेशन नहीं थे तो उनमें तो आएंगे ही नहीं। और ये लॉक स्क्रीन भी मैगजीन का जो ऑप्शन है बहुत सारे डिवाइसेस में आया ही नहीं लोअर एंड डिवाइसेस में, तो ये भी काफ़ी बुरी बात हुई। तो वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट गाइस। तो यह मी डायलर जो है हमें बहुत पसंद है, Xiaomi ने हाइपर ओएस में मी डायलर किसी भी डिवाइस को नहीं दिया। ये कहते हैं कि भाई नया डिवाइस लो उसमें आपको मी डायलर मिलेगा, ओल्डर डिवाइसेस में हाइपर ओएस में किसी भी डिवाइस को जो है वो मी डायलर नहीं मिलेगा अगर आपके डिवाइस में गूगल डायलर था। तो अगर आपके पास मी डायलर था पहले तो मी डायलर रहेगा, बट अगर गूगल डायलर था तो गूगल डायलर ही रहेगा। तो वेरी डिसअपॉइंटमेंट यार। तो होपफुली यार अब क्या कर सकते हैं, हाइपर ओएस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी पर इतना जो है ये खरा नहीं उतरा मेरे हिसाब से। तो ये कुछ मेरी जो है डिसअपॉइंटमेंट रही हाइपर ओएस के साथ। आप भी बता सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया हाइपर ओएस में। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।